बहुत लोग कहते हैं कि आई लैशेस लगाए बिना कैसे आप आई लैशेस को थोड़ा सा इलॉन्गेटेड और बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमाइज्ड खूबसूरत जेट ब्लैक कर सकते हो, सो दैट कि कभी कभार आपको आई शेडो लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस मस्कारा लगाओ और एक नाइसली आप आई ब्रोज को डन अप करो एंड देन यू आर रेडी टू गो फॉर योर शॉपिंग और वेयर एवर यू वांट टू गो। तो मैंने ये सोचा है वीडियो इसी बारे में बनाती हूँ कि व्हाट इज द हैक, व्हाट्स द टेक्निक कि आप एक नॉर्मल से नॉर्मल मस्कारा को भी आप ऐसे लगाओ कि आपके आई लैशेस इलॉन्गेटेड लंबे जो है आपके रिसेंटली उससे भी कहीं ज्यादा एटलीस्ट 5x लंबे लगे, जेट ब्लैक वॉल्यूमाइज्ड और ज्यादा खूबसूरत लगे कि आपको आई लैशेज नहीं लगाने की जरूरत पड़े, फॉल्स फेक आई लैशेज। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये हैक बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है और जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए तो काम आने वाला ही। अगर आपके पास टाइम नहीं है ग्लू लगाने का आई लैशेज लगाने का तो आप इस नॉर्मल से मस्कारा से आप पूरे काम को अच्छे से फिनिश अप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे लगाना है। तो मेरे पास है अभी एक ब्रांड मास कॉस्मेटिक, डेफिनेटली दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, ये मेरा पर्सनल कॉस्मेटिक है, बट येस दिस इज अ वेरी नॉर्मल मस्कारा, इट्स अ वाटर प्रूफ, दे क्लेम इट इज अ वाटर प्रूफ बट मैंने देखा है कि ये थोड़ा बहुत निकल ही जाता है तो मैंने इसी को चूज किया कि क्यों ना मैं इसी से आपको दिखाऊं कि कैसे होता है। सो आप देख लो, दिस इज अ मार्स नॉर्मल मस्कारा एंड इट्स ए इंडियन ब्रांड। इसके जो ब्रिसल्स हैं, कैन यू सी, इसके जो ब्रिसल्स हैं इसमें दो धारी ब्रिसल्स बने हैं, दोनों ही तरह के जो ब्रिसल्स हैं वो सेम दिखते हैं, जबकि नॉर्मली आपको वॉल्यूमाइज्ड मस्कारा के लिए एक तरह का ब्रिसल्स आपको डिफरेंट चाहिए होता है और दूसरे सब तरह का ब्रिसल्स डिफरेंट चाहिए होता है। तो मैं आपको इससे लगा के दिखाती हूँ कि इससे मेरे नॉर्मल आई लैशेस किस तरीके से अच्छे हो जाएंगे। सो फॉर दैट लेट मी टेक माई एज यूजुअल माई फेवरेट मिरर। तो इससे मैं आपको द फर्स्ट स्टेप मैं बताती हूँ कैसे लगाना है। फर्स्ट स्टेप, आप कभी भी जो आप गलती करते हो, आपने ऐसे ऐसे स्टार्ट कर लिया, कभी मत करो ऐसे। फर्स्ट ऊपर का जो सेक्शन है ये, कैन आई कम क्लोजर लिटिल बिट इफ यू कैन सी, ये जो ऊपर के जो आपके आई लैशेज हैं उसको आप कुछ इस तरीके से राउंड एंड राउंड आप इस तरीके से करते रहो, मीन्स आप पहले ऊपर के लैशेस को कवर अप करो, थोड़ा सा और ले लो, एक ही ब्रिसल एक ही स्ट्रोक में आप सब कुछ कवर अप करने की कोशिश मत करो। आप जितना ज्यादा मस्कारा का क्वांटिटी लोगे उतना अच्छा आपका वॉल्यूमाइज्ड लैशेस लगेगा। तो मैंने अभी ये ऊपर का मैंने बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे रिलैक्स वे में मैंने इसको लगाया। अब मैं दोनों आंखों में दिखाती हूँ, इस आंखों में मैंने कुछ भी नहीं लगाया है और इस आई लैशेस में मैं मेकअप कर रही हूँ, तो आप डिफरेंस देखोगे दोनों में कैसा है। तो आपने ऊपर का कर लिया, फिर आप थोड़ा सा आई लैशेस लो, इसको आप 2-3 सेकंड आप ऐसे छोड़ दो। छोड़ देने से क्या होता है, आपका ये मस्कारा थोड़ा सॉलिड हो जाता है, सेमी लिक्विड से सॉलिड, तो उसकी वजह से जब आप उसके ऊपर एक और कोट लगाओगे तो ये ज्यादा परत लेयर्स जमा कर लेता है एंड देन आपका मस्कारा आई लैशेस थोड़े से वॉल्यूमाइज लगते हैं। तो जैसे अभी 2-3 सेकंड हो चुका है, मैं इसके ऊपर से एक और कोटिंग लगाऊंगी। ओके और आप इसको ना रोल करते रहो, जो ब्रिसल्स है काइंड ऑफ दैट, देख रहे हो मैं इसे रोल कर रही हूँ, इट्स ए लिटिल बिट टाइम टेकिंग बट द रिजल्ट्स आर गुड। मैंने और थोड़ा सा ले लिया और अभी आप नीचे से ऊपर थोड़ा सा गहरा स्ट्रोक्स दोगे। मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि ये जो मेरा वाटर लाइन है ऊपर का जो वाटर लाइन, इसमें थोड़ा सा मस्कारा का कंपोनेंट जमा हो जाए और अंदर से ही मेरे आई लैशेस थोड़े से हैवी एंड थिक लगे। तो ये देखो मैंने ऐसा कर लिया, अब ये एक स्ट्रोक आपने नीचे से ऊपर लगा लिया, ये देखो मैं रोल करते हुए इसको ऊपर से लगा रही हूं एंड देन दिस वॉज द सेकेंड स्टेप एंड देन द थर्ड स्टेप। आप इसके जो एजेस हैं, एजेस को आप ऐसे रब कर दो थोड़ा सा, ये देखो मैं और थोड़ा सा नजदीक आती हूँ, थोड़ा सा आप इसको एजेस को यूं इस तरीके से रब कर दो, तो आपके जो एंड पॉइंट है टिप पे
इसमें भी मस्कारा जमा हो जाएगा और ये भी थोड़े से वॉल्यूमाइज लगेंगे। अब ये वन स्टेप ऊपर का, दूसरा स्टेप नीचे का और तीसरा स्टेप जो आपके एंड पॉइंट है छोड़ पे वो तीसरा। तो बस ये तीन स्टेप पे आपका टोटल मस्कारा डन है। और इसके बाद मैं कैमरा अभी थोड़ा और भी ज्यादा नजदीक लाती हूँ एंड देन आई विल शो यू व्हाट इज द डिफरेंस। अब आप ये करने के बाद, ये मैंने कैमरा ले लिया, अब थोड़ा सा कैमरा हिल सकता है, बेयर मी फॉर दैट। मैं आपको ओके नाउ कैन यू सी द डिफरेंस, लुक एट द डिफरेंस। देखिए ये बहुत ही छोटे लग रहे हैं, ये बहुत ही गहरे लग रहे हैं। अब आप उसको लास्ट थोड़ा सा और स्ट्रोक्स लगा दो एंड सी, कैन यू सी, कैन यू फील द डिफरेंस। अब मुझे तो डिफरेंस फील लग रहा है एंड आई एम होप आपको थोड़ा सा तो डिफरेंस लग ही रहा होगा। इट्स अ जनरल मस्कारा, अगर आप वॉल्यूमाइज्ड मस्कारा 10x 5x मार्केट से खरीद तो डेफिनेटली द रिजल्ट विल बी डिफरेंट, मोर प्रोडक्टिव रिजल्ट। पर अगर आपके पास नॉर्मल मस्कारा है तो आप देखो एक सिंपल से हैक से, सिंपल से टेक्निक से आप किस तरीके से आंखों को खूबसूरत बना सकते हो। सो डू ट्राई दिस, टेक एनी मस्कारा, टेक लिटिल टाइम इन योर हैंड and do it as you would like to see your face in a beautiful way. And with this video I'll take see off from you and I'll come back with one another hack of any cosmetics or any other product. So if you like this video, if this hack works on you, please do comment it down and subscribe my channel Insider Vlogger. And very soon I'll be coming with some other vlog. I'm trying to keep posting different content in my channel कि ताकि थोड़े से मेरा कनेक्टिविटी आप लोगों के साथ बना रहे। आप लोग भी वेट करते हो मेरे कॉस्मेटिक रिव्यूज देखने के लिए, आई डू अंडरस्टैंड, बट बिकॉज आई फ्लाई सो मच, आई एम सो ऑक्यूपाइड इन माय ड्यूटी कि मैं वीडियो अगर मैं कर भी लेती हूँ तो मैं एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता, एडिटिंग का टाइम मिलता है तो पोस्ट ढंग से नहीं होता बिकॉज वेर एवर आई स्टे द वाईफाई एंड द इंटरनेट सक्स। सो मैं घर पे रहती हूँ तो हो जाता है, बाहर होटलों में अगर रहती हूँ तो नहीं हो पाता है। सो मुझे अपनी ड्यूटी मैनेज तो करनी पड़ेगी, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट एंड प्लीज बेयर विद दिस इनकन्वीनियंस, बट प्लीज लेडीज ट्राई दिस हैक, इट विल रियली वर्क। सो टिल देन बाय बाय।